व्हाट्सअप यूट्यूब सो आज का वीडियो होने वाला है होम वर्कआउट पे, जिसके लिए हम मिनिमम इक्विपमेंट्स यूज करने वाले, ना ही कोई पुलअप बार यूज करेंगे, ना ही डंबल्स यूज करने वाले, ना ही कोई रेजिस्टेंस बैंड यूज करेंगे। इसके लिए हम सिर्फ यूज करने वाले कोई होम इक्विपमेंट लाइक चेयर, स्टिक एंड डोर मैट्स एक्सेट्रा। सो इसे हमें इस बॉडी वेट एक्सरसाइज के लिए हमें कोई भी रेप काउंट नहीं यूज करना है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल डिफरेंट होता है बॉडी वेट एक्सरसाइज में। तो हमें इसके लिए रेप काउंट के अलावा हमें टाइमर पे बेस्ड रखना है वर्कआउट को। तो इस वर्कआउट को मैंने टाइमर बेस्ड डिजाइन किया है, जिसमें हमें हर एक एक्सरसाइज को 1 मिनट करना है और फिर विदाउट रेस्ट वी हैव टू मूव इनटू नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमें हम सिर्फ बॉडी वेट के लिए सिर्फ पुशअप्स और स्क्वाट्स नहीं करने वाले, मैं आपको थोड़े यूनिक आइडियाज भी दूंगा, जिसमें आप जिम एक्सरसाइजेस को सेम मूवमेंट को हम कैसे घर पे कर सकते हैं और वही सेम मसल को कैसे हिट कर सकते हैं। तो इसे जरूर पूरा देखना, तो आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे कि कैसे घर पे करना है वर्कआउट विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, और सेम सिमिलर मोशन होगा और आप सेम मसल्स को हिट कर पाएंगे विद द ओनली द बॉडी वेट एंड इट वोंट बी मच इजियर। सो ये इतना आसान नहीं होगा, ये भी डिफिकल्टी है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को स्विच किया एक्सरसाइज को, तो आपको बीच में रेस्ट नहीं लगेगा। फर्स्ट वी विल डू द अपर बॉडी एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लोअर बॉडी पार्ट, सो यू विल नॉट रिक्वायर एनी रेस्ट इन बिटवीन। सो इसे हमें 1-1 मिनट तक करना है हर एक एक्सरसाइज को और फिर मूव करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। व्हाट इफ यू आर अनेबल टू कंटिन्यू द एक्सरसाइज फॉर 1 मिनट, मतलब अगर आप 1 मिनट तक कंटिन्यू एक्सरसाइज नहीं कर पाए कोई भी, तो उसके लिए आपको पूरा एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है, आपको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन पे होल्ड करना है, मतलब आपका मसल स्टिल वर्किंग रहेगा पर आपको ज्यादा फटिंग नहीं होगा इससे। तो मैं आपको पुशअप्स का एग्जाम्पल बता देता हूँ, यही एग्जाम्पल आपको दूसरे एक्सरसाइज में भी यूज करना है। तो लाइक अगर मैं पुशअप्स कर रहा हूँ और मेरा अगर 40 सेकंड्स हो गया और मैं थक गया पूरा, ठीक है, तो मुझे इसे छोड़ना नहीं है पूरा ऐसे, बट मुझे कंटिन्यू करना है आइसोमेट्रिक होल्ड करके, ये लो पोजीशन पे थोड़ा सा, तो क्वार्टर पुशअप करना है, पूरा नीचे नहीं जाना, इधर होल्ड करना है नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए। तो नेक्स्ट 20 सेकंड कर लिया, फिर मूव करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। सिमिलरली विद द स्क्वाट्स, अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं 40 सेकंड कर लिए और आप थक गए, तो यू टू होल्ड इट इन द क्वार्टर स्क्वाट पोजीशन, तो आइसोमेट्रिक आपका वर्क होते रहेगा मसल्स, तो इससे आपका मसल का स्ट्रेंथ और इंप्रूव होगा और एंड्योरेंस बढ़ेगा। तो हमें पूरा छोड़ना नहीं एक्सरसाइज, जस्ट कंटिन्यू करना 1 मिनट तक। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें पूरा एक्सरसाइज को, और इसके बाद मैं आपको एक वर्कआउट प्रोग्राम भी दूंगा जिसमें ये सारे एक्सरसाइज इन्वॉल्व होंगे और इसको एक सीक्वेंस में कैसे करना है 1 मिनट के लिए, जिसमें अपर बॉडी और ये अपर बॉडी लोअर बॉडी कॉम्बिनेशन होगा। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में चेक कर सकते हैं ये वर्कआउट को, तो आपको सब इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए लेट्स एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें वार्म अप करना सबसे जरूरी है, तो इसके लिए आपको कंप्लीट रूटीन चाहिए वार्म अप पे। तो मैंने पहले ये वीडियो बना चुका हूँ इस पर, तो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वार्म अप शुरू करते हैं और फिर देखते हैं सारे एक्सरसाइज होम वर्कआउट रूटीन कैसे करना है। तो इस रूटीन का फर्स्ट एक्सरसाइज होगा पुशअप्स, जो हम अपर बॉडी के लिए करने वाले हैं। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ पुशअप्स होंगे, जो पहले होगा डिक्लाइन पुशअप्स, फिर होगा फ्लैट नॉर्मल पुशअप्स, फिर होगा इंक्लाइन पुशअप्स। तो हमें इन तीनों को 1 मिनट करना है कंटिन्यूसली। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो डिक्लाइन पुशअप्स करने के लिए आपको कोई भी एलिवेटेड सरफेस लगेगा, जैसे कि आप सोफा यूज कर सकते हैं या कोई स्टूल या चेयर यूज करना, तो उस पर आपको अपना फीट रखना है दोनों स्ट्रेट, और फिर ये पुशअप लगाना है, नीचे स्ट्रेट जाना है, ऊपर आना है, नीचे स्ट्रेट, ऊपर अप, नीचे स्ट्रेट, ऊपर अप। कोर और रूट्स आपका टाइट रहेगा, बैक कर्व नहीं होना चाहिए ऐसा स्ट्रेट। तो इसे कंटिन्यूस 1 मिनट लगाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा थोड़ा इजी और नॉर्मल बेसिक पुशअप्स करना है हमें 1 मिनट के लिए, जो फ्लैट ग्राउंड पे होगा इधर। तो इसे कंटिन्यूस 1 मिनट करने के बाद हमें मूव करना है इंक्लाइन पुशअप्स पे। तो इसके लिए आपको अपने चेस्ट को एलिवेटेड सरफेस पे रखना है, ना कि आपके पैर को। तो आप सोफा पे अपने हाथ रख सकते हैं या स्टूल पे कोई भी या चेयर पे, और फिर आपको ये पुशअप परफॉर्म करना है इस तरीके से। तो ये तीनों एक्सरसाइज को 1 मिनट करना है, टोटल 3 मिनट्स ऑफ पुशअप्स हो जाएंगे हमारे। तो इन तीनों पुशअप्स को हमें साथ में लगाना है विदाउट रेस्ट, तो 3 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस पुशअप्स हो जाएंगे हमारे। फिर हम मूव करेंगे लोअर बॉडी एक्सरसाइज के लिए, तो अब हमको रेस्ट ही लगेगा बीच में, सीधा हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्विच करते हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वो है सिंगल लेग स्क्वाट, जिसको सिंगल लेग स्क्वाट नहीं जानता है तो वो ये चेयर के साथ स्क्वाट कर सकते हैं, चेयर यूज करते हैं।
तो इसके लिए हमें एलिवेंट सरफेस या चेयर से थोड़ा आगे खड़े रहना है और दूसरा पैर स्ट्रेट करके हिप से बेंड करते हुए नीचे बैठना चेयर पे, और फिर से उठते हुए मोमेंटम यूज नहीं करना है, पूरा आपका लेग स्ट्रेंथ यूज करके ऊपर आना है स्ट्रेट। फिर से हिप्स और लेग्स का पावर स्ट्रेंथ यूज करते हुए ऊपर आना है स्ट्रेट, स्ट्रेट। तो दोनों से करना है ये 30-30 सेकंड्स के लिए ईच। दोनों 1 मिनट कर लिए, फिर हमें नॉर्मल स्क्वाट करना है 1 मिनट के लिए कंटिन्यूस। इसमें आपको जितना नीचे हो सकता है उतना जाना डेप्थ और बैक स्ट्रेट। अगर आपसे चेयर स्क्वाट बहुत इजी हो रहा है तो आप ये वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी या तो टॉवेल अटैच कर लो डोर पे या कोई भी रेजिस्टेंस बैंड आपके पास होगा वो, उसका सपोर्ट ले लेना और फिर सिंगल स्क्वाट करना पूरा डेप्थ तक स्ट्रेट बैक रखते हुए ऊपर आना है। तो ये हमें करना 30 सेकंड ईच लेग पे। तो इसमें हमारे पास इसका सपोर्ट रहेगा जिससे हम बैक स्ट्रेट रख सकते हैं और हिप से बेंड हो सकते हैं इस तरह से। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होने वाला है वो है अपना इन्वर्टेड रोज। तो इसके लिए आप दो चेन यूज कर सकते हैं, आप घर पे कर रहे हैं तो इसके लिए आप दो चेन यूज कर सकते हैं और एक स्टिक यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं जो आपका वेट विदस्टैंड कर सकेगा, तो उसे आपको चेयर के बीच में रखना है such that a chair would be at 2 leg distances like this and you have to place the stick over it at firm position and फिर स्टिक सेट हो गया, फिर हमें करना है इन्वर्टेड रोज। तो ये फर्स्ट सेट के लिए हम लोग ओवर हैंड ग्रिप यूज करने वाले, ओवर हैंड ग्रिप यूज करने वाले ऐसे प्रोनेटेड ग्रिप बोलते हैं। तो उस पर अंडर जाना है आपको स्ट्रेट और फिर बैक को बेंड किए बिना स्ट्रेट पूरा बॉडी लिफ्ट करना है अप और ऊपर थोड़ा होल्ड करना है 2 seconds देन डाउन। तो ऊपर होल्ड करना है 2 seconds डाउन, होल्ड अबव 2 seconds डाउन, कंटिन्यू दिस फॉर 1 मिनट। तो ये हमको डायरेक्टली चेस्ट पे लगना चाहिए ये रॉड अपर का, तो मिड चेस्ट पे लगेगा ये रॉड स्ट्रेट और आपको बैक स्क्वीज करना है जब ऊपर आएंगे, तो ऐसे कंटिन्यूस 1 मिनट करना है। इसके बाद हम फिर से जाएंगे लोअर बॉडी पे विदाउट रेस्ट। सो हमें करना है रिवर्स लंज जिसपे हमारा क्वाड्रिसेप्स वर्क होगा और साथ ही में हमारा बैलेंस भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि इसमें हम सिंगल लेग पीछे लेंगे 90 डिग्री पे, सिंगल लेग पीछे तो हमारा बैलेंस वर्क होने वाला है इसमें। तो 1 मिनट कंटिन्यूस ये करना है, पर सब उठेंगे आप स्ट्रेट उठना है, मोमेंटम नहीं यूज करना है, आपका क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स फायर करके उठना है स्ट्रेट और आपका कोर हमेशा टाइट रहेगा जब ये करेंगे नीचे जाएंगे। डोंट लेट योर कोर लूजन, कीप इट फर्म एंड देन कम अप स्ट्रेट। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सिमिलर होगा जो पहले किया था हमने, बस इधर हम ग्रिप चेंज करने वाले तो जिससे हमारा ज्यादा बाइसेप्स वर्क होगा और लैट्स भी इन्वॉल्व होंगे। जो पहले किया उसमें पूरे ट्रैप्स इन्वॉल्व हो रहे थे, इसमें हमारा बाइसेप्स भी इन्वॉल्व होगा साथ में। तो इसके लिए हमें अंडर हैंड ग्रिप यूज करना है व्हिच इज कॉल्ड सुपिनेटेड ग्रिप। तो इसे नीचे से पकड़ना है हमें अंदर से ऐसे इस तरह, और फिर करना है। अभी ये जो चेयर का हाइट है थोड़ा नीचे, पर आपके पास अगर एलिवेटेड सरफेस है तो आप ज्यादा ऊपर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ तक हाइट यूज कर सकते हैं जिससे और भी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा। तो हमें इसमें अंडर हैंड ग्रिप यूज करना है ऐसे पाम फेसिंग टुवर्ड्स अस एंड देन हमको लिफ्ट करना है स्ट्रेट अप, चेस्ट तक टच करना है, ऊपर आके होल्ड डाउन, ऊपर आके थोड़ा होल्ड करना है 2 seconds डाउन, 2 seconds होल्ड डाउन। तो इसे हमें करना है 1 मिनट तक। अगर और भी आपको डिफिकल्टी इंक्रीज करना है इसका तो फीट्स को एलिवेटेड सरफेस पर रखना, इसको स्ट्रेट रखना है, या तो ओवर हेड यूज करो या अंडर हेड ग्रिप यूज करना और फिर बॉडी को पुश करना अप। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वो है ग्लूट ब्रिज।
तो पहले हमें सिंगल लेग ग्रुप बेच करना है, जो भी हम सिंगल लेग करने वाले वो 30 सेकंड्स करना, और फिर उसके बाद डबल लेग वही एक्सरसाइज को हमें 1 मिनट करना है। तो पहले देखते हैं कि सिंगल लेग ग्रुप बेच कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको एक सपोर्ट लगेगा एलिवेटेड सर्फेस का, जिसके लिए आप चेयर यूज कर सकते हैं, कोई सोफा लाइक दिस, एंड देन एक लेग को ऊपर लेना स्ट्रेट, और फिर दूसरे लेग से अभी ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए ऊपर आना है। ना तो आर्म्स का स्ट्रेंथ यूज करना है और ना ही फीट से दबाना है, जस्ट ग्लूट्स को आपको स्क्वीज करना है और कोर टाइट रख के ऊपर आना है स्ट्रेट, फिर से नीचे जाएंगे स्ट्रेट अप। तो यहाँ पे ग्लूट्स फायर होगा, अपर इधर थोड़ा स्क्वीज कर सकते हैं 2 सेकंड्स के लिए, फिर डाउन स्ट्रेट ग्लूट स्क्वीज डाउन। जैसे सिंगल लेग 30 सेकंड्स करना है, फिर स्विच करके इसको सिंगल लेग 30 सेकंड्स करना है, डाउन स्क्वीज ग्लूट स्क्वीज अप, फिर दोनों लेग साथ में लेके 1 मिनट करना है। ये थोड़ा इजी वर्जन है, इधर हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है आपको, बैक को फ्लैट रहेगा, जब तक वो फ्लैट हो जाता है पैरेलल टू द ग्राउंड तब तक ही रीच करना है अपवर्ड, उसके ऊपर नहीं जाना है। इसी एक्सरसाइज को आप चेयर के साथ भी कर सकते हैं, बट चेयर को एक फॉर्म पोजिशन पे होल्ड रखना पीछे, तो इसको सपोर्टेड रहेगा ताकि आप पीछे जब वेट डालेंगे तो गिरे नहीं, और फिर आपका दोनों बैक सपोर्ट रखना उस पर, और फिर सिंगल लेग रेज, सिंगल लेग रेज, जितना नीचे जा सकते जाना, फिर सिंगल लेग रेज, फिर दोनों अल्टरनेट 30-30 सेकंड्स कर लिया, फिर दोनों साथ में करना, तो इससे आपका ग्लूट्स वर्क होगा और हैमस्ट्रिंग भी साथ में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा ग्लूट रिच के बाद करना है वो हमें वो है 5 पुशअप, जो अपने शोल्डर्स के लिए होगा, मोस्टली फॉर द मीडियल लेंथ एंड फ्रंट लेंथ। तो इसके लिए हमें एक एलिवेटेड सरफेस पे अपना लेग रखना है, या तो आप वॉल पे भी रख सकते हो, तो चेयर पे रख लिया लेग आपका स्ट्रेट, फिर आपका बैक को इरेक्ट रखना है, जितना हो सके परपेंडिकुलर टू द फ्लोर लाना अपने हैंड्स को, फिर स्ट्रेट नीचे जाके पुश अप, नीचे गो डाउन पुश अप, तो ये नहीं जम रहा है तो नी बेंड कर लो और फ्लोर पे रखना, तो ये आपको ज्यादा स्टेबल सरफेस प्रोवाइड करेगा। फिर गो स्ट्रेट डाउन कम अप, स्ट्रेट डाउन कम अप। अगर आपसे नहीं हो रहा है 1 मिनट करने के लिए, तो जस्ट होल्ड दिस पोजीशन फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम, मींस इफ यू आर एबल टू डू 20 सेकंड्स, फिर उसके बाद जस्ट होल्ड दिस पोजीशन। इसी में अगर आपको एडवांस वर्जन चाहिए तो आप पूरा बॉल पे जाके फिर कर सकते हैं पाइप, तो दिस विल बी ए मोर एडवांस वर्जन ऑफ दिस 5 पुशअप्स। और इसे स्टार्टिंग में ट्राई मत करना, पहले इसी से प्रैक्टिस करना, आपका शोल्डर्स को स्ट्रेंथ बढ़ाना, फिर ये चालू करना। तो 5 पुशअप से आपका फ्रंट एंड मीडियल लेंथ और ओवरऑल शोल्डर हिट हो जाएंगे और एंटीरियर साइड, अगर हमें साइड लेंथ भी हिट करना है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक रिलेटिव मोशन से करना पड़ेगा, क्योंकि हम लैटरल रेजेस तो नहीं कर सकते, तो उसी का रिलेटिव वर्जन हमें यूज करना है। वी हैव टू डू साइड प्लैंक टर्न्स, तो उसमें हमें साइड प्लैंक पोजिशन पे आना है और फिर अपने एल्बोस को ये फिश तक टच करके ट्राई करना है, फिर जब आप स्ट्रेट, फिर से जो अपना एल्बोस होगा शोल्डर्स होगा उसे आपको ये फिश तक टच करके ट्राई करना है, तो इससे हमारा मीडियल लेंथ फायर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे करना है 1 मिनट कंटिन्यूस। तो इसमें हमारा ऑब्लिक्स के साथ साथ मीडियल लेंथ भी इन्वॉल्व हो रहा है, आप देख सकते हैं। ट्राई टू टच योर लेफ्ट शोल्डर्स टू योर फिस्ट, राइट फिस्ट, सिंस हमारे घर पे हैमस्ट्रिंग कर्ल मशीन तो नहीं होता है, तो हमें हैमस्ट्रिंग को अगर वर्क करना है तो हमें इसे कर्ल करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम एक डोरमैट यूज कर सकते हैं ऐसे, जिस पे हम अपने हील से स्लाइड करेंगे, जिससे हमारा हैमस्ट्रिंग वर्क होगा। तो इसे करने के लिए हमें नी बेंड करना और फ्लैट लाई करना ग्राउंड पे, और अपना हील्स को इस मैट पे रखना है जिससे हम स्लाइड कर सकते हैं ऐसे। तो दिस विल बी अ रिलेटिव मोशन टू द हैमस्ट्रिंग कर्ल्स दैट वी परफॉर्म इन द जिम, बस इधर
हम जस्ट डोर मैट को स्लाइड करेंगे अपनी तरफ। तो पहले आपको लीड देना है स्ट्रेट और फिर पूरा वेट डालते हुए हील्स पे आपको कर्ल करना है। पूरा वेट डालना हील्स पे, बैक फ्लैट इन द ग्राउंड और फिर कर्ल करो अंदर की तरफ। फिर से लेग स्ट्रेट करना एंड देन स्क्वीज द हील्स इन द ग्राउंड और फिर ऊपर आना स्ट्रेट। तो इससे आपका हैमस्ट्रिंग फायर हो जाएगा। तो डू इट फॉर 1 मिनट। तो अगर आपको ये इजी जाना है तो सिंगल लेग स्ट्रेट स्क्वीजिंग इन द ग्राउंड जब अगर आप हील्स पुश नहीं करेंगे अंदर तो आपको हैमस्ट्रिंग पे फील नहीं होगा। जस्ट स्लाइड नहीं करना है ऊपर नीचे, स्क्वीज द हील्स इन द ग्राउंड एंड देन ड्रैग इट अपवर्ड। दिस विल हिट योर हैमस्ट्रिंग्स। और अगर आपको इसके साथ में ग्लूट्स भी आपको फायर करना है तो आप जरा ग्लूट ब्रिज कर लेना ऐसे और फिर से छोड़ना रिलीज। फिर से स्क्वीज इट रिलीज, स्क्वीज इट रिलीज, ब्रिंग इट अपवर्ड। तो इसमें मेरा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग दोनों फायर हो जाएंगे साथ में। डू इट फॉर 1 मिनट। ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला एक्सरसाइज। तो स्टार्टिंग में आप हिप्स को नीचे रखना और फिर धीरे धीरे जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग का फिर आप ग्लूट ब्रिज करते हुए उसे स्लाइड करना। जो आप जिम में पुली यूज करके ट्राइसेप एक्सटेंशन करते हो ना वही हमें इसमें करना है। जस्ट वी आर यूजिंग एलिवेटेड सर्फेस। तो इसमें हमें एक सोफा का हैंडल या जो भी एलिवेटेड सर्फेस आपके पास होगा उसे होल्ड करना है और फिर सेम यही रिलेटिव मोशन हमें करना है। जस्ट इसमें हमारा हाथ नहीं हिलेगा, बॉडी हिलेगा सामने। तो यहाँ पे फिक्स किया मैंने हाथ को, अभी मेरे आर्म्स नहीं चेंज होने वाले बट आई कैन चेंज माई एल्बो पोजिशन लाइक दिस बाय ब्रिंगिंग इन द हेड। सो इसमें मेरे आर्म्स स्ट्रेट रहेंगे और फिर मैं अंदर लूंगा और फिर सीधा एल्बो अंदर रखते हुए एक्सटेंड करूंगा, एल्बो अंदर रखते हुए एक्सटेंड करूंगा। आप देख सकते ट्राइसेप्स वर्क हो गया बाहर। एक बात आपको ध्यान रखना है, बाहर नहीं लेना एल्बोस को ज्यादा तो आपके चेस्ट वर्क होने लगेगा। यू हैव टू कीप दिस एल्बो स्टक इनसाइड लाइक दिस। तो आपको इसको अगर डिफिकल्ट करना है और भी तो खड़े हो जाना और फिर गो डाउन करना। जो आपका सिर है वो अंदर जाएगा आर्म्स की तरफ, आर्म से नीचे जाएगा सिर, फिर स्ट्रेट एक्सटेंड यूजिंग योर ट्राइसेप्स, फिर एल्बोस को स्ट्रेट करना है। तो इसे 1 मिनट रिपीट करना। तो फिर जो आप ट्राइसेप पुश डाउन करते हैं जिम में तो ट्राइसेप एक्सटेंशन हमने कर लिया, उसके बाद हम जो ट्राइसेप पुश डाउन करते हैं जिम में उसी मूवमेंट को हमें रिप्लीकेट करना है होम वर्कआउट में। तो हमें करना पड़ेगा टाइगर बैंड पुशअप। इसके लिए हमें शोल्डर वेट रखना है आर्म्स को और फिर सीधा एल्बोस को नीचे टच करना है टाइगर में। थक गए तो नीज पे कर लेना। तो हमने बैक हिट कर लिया, बाइसेप्स हिट कर लिया, तो हम फोरआर्म नहीं छोड़ सकते पुल मसल्स में। तो हमें फोरआर्म हिट करने के लिए मैं यूज़ करा रहा हूँ ये चेयर। तो ये चेयर यूज़ कर सकते हैं आप या कोई भी एक हैवी स्टिक या कोई हैवी रॉड होगा आपके पास वो यूज़ करना और उसके लेग्स पकड़ लेना है चेयर के और फिर हमें करना है रेडियल डिविएशन। सो दिस मोमेंट इज कॉल्ड रेडियल डिविएशन इन साइंटिफिक टर्म्स क्योंकि यहाँ पे रेडियल बोन होता है। तो वही हम कर रहे हैं इस चेयर के साथ। तो इससे आपका फोरआर्म्स का एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स वर्क होगा साथ में। ऊपर लेना चेयर को, ऊपर लेना स्ट्रेट जितना हो सकता है। आपको आपका फोरआर्म्स को आगे लाना है, सॉरी आपका रिस्ट को आपको आगे धकेलना है जितना हो सके, रेडियल डिविएशन करना। तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा तो इसलिए स्टार्ट में लाइट वेट यूज करना। अभी हमने ये कर लिया आगे का रेडियल डिविएशन, अभी ये करना है अल्ना डिविएशन। उसके लिए आपको उल्टा पकड़ना है, चेयर को ऊपर लाना है, ऊपर ऊपर जितना हो सकता है ऊपर लेना, जितना हो सकता है आपका रिस्ट को डिविएट करना साइड। ये भी बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए आप पहले
लाइट वेट यूज करो और फिर स्टार्ट करना हैवी वेट या चेयर यूज करते हो तो इससे हमारा फोरआर्म्स पूरा हाइट हो जाएगा ओवरऑल इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले इस रूटीन में वो है लोअर बॉडी के लिए जिसमें हमें ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स फिट करने वाले जैसे बोलते हैं बल्गेरियन स्प्रेड स्क्वाट। इसके लिए हमें एक अपना दूसरा लेग को जो नॉन वर्किंग लेग होगा उसे एलिवेटेड सरफेस पे रखना है ऐसे और फिर स्ट्रेट नीचे जाना है फिर आपको ग्लूट्स स्क्वीज करते हुए स्ट्रेट ऊपर आना है और क्वाड्रिसेप्स भी टाइट रखना है स्ट्रेट डाउन जितना हो सकता है नीचे जाना और फिर आपके ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स टाइट रखते हुए ऊपर आना। तो इसमें आप आगे लीन होंगे तो आपका ग्लूट्स और फायर होगा तो आगे लीन होके करना फिर और अगर स्ट्रेट रहेंगे तो आपका क्वाड्रिसेप्स वर्क होगा तो आपको ध्यान देना है कि आपको पूरे फीट से पुश करना है ऊपर। So in this exercise, we will hit the complete posterior chain, जिसमें हमारा glutes भी involved होगा, lower back भी involved होगा, upper back भी involved होगा और साथ में rear delts भी work होने वाला है। तो इसके लिए हमें face floor को face करके straight line और फिर glutes squeeze करके अपने thighs उठाना है और फिर torso भी raise करना है और फिर आपका arms को Y position पे raise करना है ऊपर जितना हो सकता है उतना and then transition into W। तो आपको ध्यान देना है कि thumbs आपका point upward रहेगा और फिर straight W पे से Y पे फिर W फिर जितना हो सकता है आपको स्क्वीज करना है आपके अपर बैक को और थाइस ऊपर रख के लोअर बैक को स्क्वीज रखना है एंड ग्लूट्स हमेशा कॉन्स्टेंट टायर्ड रहेगा। डू इट फॉर 1 मिनट कंटिन्यूसली। तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है वो है अपने लोअर बॉडी के लिए जिसपे हम हिट करने वाले काफ्स को। तो हमें करना है सिंगल लेग काफ रेजेस फॉर 1 मिनट एंड देन वी हैव टू स्विच इनटू डबल लेग 1 मिनट। सो इसके लिए हम जो जनरली करते हैं खड़े रह के स्ट्रेट तो इससे हमारे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है तो इसके लिए आप सपोर्ट लेना सामने कोई भी वॉल का या जो भी डोर नॉक का और फिर बेंड करके फिर करना सिंगल लेग काफ रेजेस लाइक दिस। तो इसमें हमें बेंड करके इस पर वेट डालना है और फिर काफ को रेज करना है तो इससे आपको देखेंगे कि आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा काफ पे। तो डू दिस फॉर 1 मिनट और फिर दोनों लेग का 1 मिनट होने के बाद साथ में दोनों साथ में करना 1 मिनट बेंड होके लीन आगे लीन होके करना है। सो इसके बाद जो हमें करना है शिन मसल्स पे हिट करना है हमें तो ये भी जरूरी है फुल बॉडी वर्कआउट के लिए। तो ये शिन मसल्स हिट करने के लिए हमें एंकल पम्प्स करना होगा तो इस पर आपको वॉल पे सपोर्ट लेना है पीछे और फिर एक पैर ऊपर रखते हुए दूसरा एंकल को कितना हो सके आपको फ्लेक्स करना है फ्लेक्स करके नीचे लेना है। तो 1 मिनट कंटिन्यूसली यू हैव टू डू इट फॉर सिंगल लेग तो जितना हो सकता है ऊपर फ्लेक्स करना तो इससे आपको शिन मसल्स पे टाइटनेस फील होंगे। तो कंटिन्यूसली इसे 1 मिनट तक करना और फिर दोनों लेग को साथ में लेके डू इट फॉर 1 मिनट लाइक दिस। तो जितना हो सकता है नॉर्मली ऊपर नहीं लेना जितना हो सकता है उतना फ्लेक्स करना है तो ही आपका शिन मसल्स पे वर्क होगा वो ऐसे कंटिन्यूसली 1 मिनट करना। तो ये सारे एक्सरसाइजेस 2 टू 3 सेट्स आप फिनिश करने के बाद इस फिनिशर एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो 2 फिनिशर एक्सरसाइज होगा हमारा जिसमें हम पूरा क्वाड्रिसेप्स फिट करेंगे और पोस्टीरियर मसल फिट करेंगे। तो इसके लिए आपको 1 मिनट तक वॉल सिट करना है तो वॉल सिट के लिए आपको वॉल पे पूरा बैक को स्ट्रेट रखना है इरेक्ट और फिर आपको नीज को 90 डिग्री तक बेंड करना है ताकि आपका थाइस पैरेलल टू द फ्लोर हो और ये परपेंडिकुलर हो नीज एंड शिन मसल्स और फिर आपको होल्ड करना है इसे 1 मिनट तक स्ट्रेट रखते हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बैक इरेक्ट रहे ये करते हुए और फिर आपका टच रहे बॉल पे एंड देन होल्ड दिस फॉर 1 मिनट तो इससे आपका पूरा क्वाड्रिसेप्स वर्क होगा यहाँ पे। तो इसे 1 मिनट करने के बाद जो नेक्स्ट मूव होने वाला है वो है रिवर्स ब्रिज होल्ड करना है आपको 1 मिनट के लिए। तो इसमें आपको शोल्डर्स को आगे नहीं रखना है ऐसे पहले शोल्डर्स को पीछे लेके चेस्ट को आउट करना है पूरा और फिर ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए इसमें हमारा पूरा पोस्टीरियर मसल्स वर्क होगा फिर से बट इसको हमें आइसोमेट्रिकली होल्ड करना है एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। तो इसे हमें चेस्ट आउट करते हुए अप स्ट्रेट अप ग्लूट स्क्वीज करना है और आपका अपर बैक को भी स्क्वीज करना है और शोल्डर्स को जितना हो सकता है पीछे रखने का ट्राई करना और स्ट्रेट होल्ड इट।
मैक्स टू मैक्स एक मिनट तक होल्ड करना है दोनों फिनिशर मूव्स को, और हो सके तो आप फेलियर तक जाना, मतलब जब तक आपको होल्ड करना जम रहा है तब तक होल्ड करना, क्योंकि दिस विल बी द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस रूटीन, सो उसके बाद हमें रेस्ट ही करना है। तो इसलिए जब तक आपको पुश कर सकते हैं इसे ये दोनों एक्सरसाइज को पुश करना। पूरा रूटीन होने के बाद अगर आपको कोर वर्कआउट भी करना है तो मैं आपको 3 एक्सरसाइज दे देता हूँ जो आप इस पर इस रूटीन के बाद कर सकते हैं कोर मसल स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसके लिए पहले हम करने वाले 1 मिनट क्रंचेस, फुल क्रंच करना, नहीं हो रहा तो हाफ करना, नहीं हो रहा था इतने आना हाफ, अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है थोड़ा तो यू कैन डू फुल क्रंच लाइक दिस। इस 1 मिनट तक कंटिन्यूस करना है, फिर उसके बाद हम करेंगे लेग रेजर्स। तो लेग रेजर्स में हमें सिर्फ लेग रेज नहीं करना है, अगर आप बिगिनर है तो इतना ही करना सिर्फ लेग रेज, और अगर आपको स्ट्रेंथ है तो यू कैन डू लेग रेज एंड हिप प्रेस एट द सेम टाइम। तो लेग रेज करना है यहाँ तक, फिर हिप से पुश करना है ऊपर की तरफ, लेग रेज करना है हिप से पुश, raise your leg, push through the hips, raise your legs and push through the hips. फिर ये दोनों एक्सरसाइज के बाद we will do windshield wipers. तो जितना हो सकता है उतना वो साइड जाना, जितना हो सकता है ये साइड आना है, windshield wipers जितना नीचे जा सकते जाना और फिर जाओ। तो ये 3 core exercises आप कर सकते हैं जिसमें आपका टॉप डाउन मूवमेंट होगा और बॉटम अप मूवमेंट होगा और रोटेशन मूवमेंट भी होगा, जिसे आप ओवरऑल कोर यूज कर सकते हैं। यू कैन डू दिस फॉर 1 मिनट एंड देन डू द अदर सेट फॉर 50 सेकंड्स, सो इससे आपका फुल बॉडी कंप्लीट हो जाएगा रूटीन। तो ये सारे एक्सरसाइज जो हमने किए वो आपको ईजी अगर लग रहे हैं, आप जैसे बैग में वेट भर के उसका रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं सारे एक्सरसाइज के। तो इसमें वेट डालना है और फिर आपको इसे कैरी करना है इधर पीछे, और फिर हमारे जो भी एक्सरसाइज हमने किए वो लगाना है, जैसे कि पुश अप्स हमने जो एलिवेटेड किए तो वो आप वेटेड बैग यूज करते हुए कर सकते हैं। इवन द स्क्वाट्स, स्क्वाट्स पे आपको हैवी वेट होगा इसके लाइक दिस। फिर हमने जो किए है रिवर्स लंज, वो भी आप कर सकते हैं वेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक दिस वर्कआउट। सो अगर आपको ये वर्कआउट करना है तो आप 3 to 5 days कर सकते हैं वीक में, और बाकी दिन आप मेरे दूसरे वर्कआउट भी चेक कर सकते हैं जिसमें होगा फुल हाई इंटेंसिटी कार्डियो और मेटाबॉलिक वर्कआउट। तो आप 3 days इस वर्कआउट को कर सकते हैं और बाकी जो रिमेनिंग 3 days है आप वो मेटाबॉलिक वर्कआउट या कार्डियो वर्कआउट चेक कर सकते हैं, जो मैं आपको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसे ज़रूर चेक करना और इसके साथ कंबाइन करके आप एक कंप्लीट रूटीन बना सकते हैं। तो लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।